गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में मुख्य रूप से निम्नलिखित विचारधाराएं या दृष्टिकोण हैं। पहला है व्यापक दृष्टिकोण। यह लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक मार्क्स, निग्रो, विलोबी, वाइट, एलडी वाइट प्रमुख इसके समर्थक हैं। यह लोक प्रशासन व सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संबंधित मानते हैं। इनके अनुसार लोक प्रशासन में सरकार के तीनों अंगों से संबंधित अध्ययन को शामिल किया जाता है। इसके संबंध में एलडी वाइट ने जैसा कि कहा है, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य शामिल होते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना है। मार्क्स ने कहा है कि लोक प्रशासन अपने व्यापक क्षेत्र में सार्वजनिक नीतियों से संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं को शामिल करता है। और विलोबी के अनुसार लोक प्रशासन अपने व्यापक अर्थ में उन कार्यों को शामिल करता है जो कि सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंधित हैं, चाहे वह कार्य सरकार की किसी भी शाखा से संबंधित हो। अब दूसरा दृष्टिकोण है संकुचित या नैरो दृष्टिकोण। इसके प्रमुख समर्थक हैं हर्बर्ट साइमन, लूथर गुल्लिक आदि विद्वानों ने संकुचित अर्थ में लोक प्रशासन को लिया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है। साइमन के अनुसार लोक प्रशासन से अभिप्राय उन कार्यों से है जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं के द्वारा संपादित की जाती है। लूथर गुल्लिक के अनुसार लोक प्रशासन का विशेष संबंध कार्यपालिका से है। इस प्रकार हमने देखा कि लोक प्रशासन में सिर्फ कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाए, यह लोक प्रशासन का संकुचित अर्थ है। यह कार्यपालिका की क्रियाशीलता का अध्ययन करता है। लोक प्रशासन का संबंध सामान्य प्रशासन से संबंधित समस्याओं से मानता है। लोक प्रशासन का संबंध संगठन संबंधी समस्याओं, मतलब कार्यपालिका के संगठन में अगर कोई समस्या आती है और उन समय जो सामान्य प्रशासन है उससे संबंधित चीज़ों का अध्ययन है, वह लोक प्रशासन के संकुचित अर्थ के अंदर शामिल किया जाता है। तीसरा है पोस्ट कोड दृष्टिकोण। यह लूथर गुल्लिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। लूथर गुल्लिक के इस दृष्टिकोण का हेनरी फ्योल के द्वारा समर्थन किया गया। पोस्ट कोड शब्द अंग्रेजी के सात शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहला शब्द है पी का अर्थ है प्लानिंग। अंग्रेजी में इसे नियोजन कहेंगे। बिना नियोजन के लक्ष्य की प्राप्ति करना कठिन हो जाता है। इच्छित कार्य की रूपरेखा तैयार करना और अपने लक्ष्य को यथाशीघ्र प्राप्त करने के लिए कुछ प्लानिंग की जानी चाहिए। और इस पोस्ट कोड में दूसरा है ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन। संगठन अर्थात अधिकारी वर्ग के लिए एक ऐसे स्थायी ढांचे का निर्माण करना जिसके द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम के उपभागों की व्यवस्था की जाए। मतलब एक उच्च अधिकारियों से लेकर निम्न अधिकारियों तक का एक संगठन हो जिनके कुछ निश्चित लक्ष्य व कर्तव्य हों। तीसरा है स्टाफिंग के अंदर नीतियों के निर्धारण एवं संगठन की व्यवस्था के बाद कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, लाभ आदि को शामिल किया जाए। फिर चौथे नंबर पे आएगा डायरेक्शन, मतलब निर्देशन। निर्देशन के अंतर्गत शासन संबंधी निर्णय लेना, उन्हीं के अनुरूप कर्मचारियों को विशिष्ट व सामान्य आदेश तथा सूचना देना और उनका नेतृत्व करना आदि सम्मिलित है।
पांच नंबर पॉइंट है कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय। समन्वय का अर्थ होता है कार्य के विभिन्न भागों को आपस में संबंधित करना और समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट छः नंबर पे है आर। आर का अर्थ है रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करना। रिपोर्टिंग का अर्थ है प्रशासनिक कार्यों की क्या रिपोर्ट है, वह उन्हें लोगों को सूचना देना और उसके लिए कार्यपालिका उत्तरदायी है। इसका उद्देश्य निरीक्षण के लिए अभिलेख तैयार करना भी है। उसके बाद सात नंबर पे है बी। बी का अर्थ है बजटिंग, बजट तैयार करना। इसके अंतर्गत राजकोषीय योजनाएं तैयार करना, राजकोष के लिए व्यय जो किया गया है उसके वित्तीय संसाधनों को अपनाना, उसको नियंत्रण में रखना आदि बातों को शामिल किया जाता है। उसके बाद हम विषय क्षेत्र में देखेंगे पाठ्य विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण। पाठ्य विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण के समर्थक लेवियस मेरियन माने जाते हैं। किसी भी प्रशासनिक संगठन की कार्यकुशलता और प्रभावशालिता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशासन को न केवल तकनीकी कार्यों का ज्ञान हो बल्कि इसके साथ साथ ही पाठ्य विषय वस्तु की भी जानकारी होनी चाहिए। लेवियस मेरियन की यह मान्यता है कि केवल नियोजन, निर्देशन, समन्वय से ही लोक प्रशासन नहीं चलता बल्कि वह तो सरकार द्वारा की जा रही सेवाओं इत्यादि पर निर्भर करता है। पांचवा विषय क्षेत्र है लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण। लोक प्रशासन लोक नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित माना जाता है। पिछले कुछ समय में यह माना जाता है कि लोक प्रशासन केवल सरकारी नीतियों के व्यवहारिक क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी नहीं है बल्कि नीतियों के निर्माण में भी लोक प्रशासन की अहम भूमिका रही है। इस विचारधारा के समर्थक वाइडोर माने जाते हैं। उनके अनुसार लोक प्रशासन का मुख्य कार्य सरकार के द्वारा स्थापित लोक नीतियां है। छठा क्षेत्र है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के क्षेत्र में इस दृष्टिकोण के समर्थक राज्य और लोक प्रशासन में ज़्यादा अंतर नहीं करते। उनके अनुसार वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी है अतः लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है। दोनों का एक ही लक्ष्य है जनता का हित, सभी प्रकार से जनता को सुखी और उनकी रक्षा करना। लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हितों के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ है। उसके बाद सातवां क्षेत्र है मनोसामाजिक दृष्टिकोण। मनोसामाजिक दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक फेडर रिंग्स, हेडी, रॉबर्ट डाहल इत्यादि विद्वान हैं। लोक प्रशासन का क्षेत्र केवल कुछ प्रबंधनीय तकनीक नहीं है। इनके अनुसार यह कोई वैज्ञानिक या प्रबंधनीय तकनीक नहीं है बल्कि यह मानव समाज की सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, अर्थव्यवस्था, मानव व्यवहार इत्यादि के अध्ययन को भी शामिल किया जाना चाहिए। आठवां क्षेत्र है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन द्विविभाजक दृष्टिकोण। इसके अनुसार इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक हेनरी फ्योल, मैरी पाकर फोलेट और उर्विक है। ये विद्वान लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में डिफरेंस स्वीकार नहीं करते। इनके अनुसार लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की कार्यप्रणाली, नियम, क्षेत्र एक समान है लेकिन कई दशकों से यह मानना जाता है कि लाभ, उद्देश्य, व्यापकता, दायित्व और लोक हित के आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के जो लक्ष्य हैं वो एक समान नहीं हैं। लेकिन हम मोटे रूप से देखें तो लोक हित, उत्तरदायित्व और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे गुण लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में एक जैसे ही हैं। धन्यवाद।